नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी मलाई रोल कट कुल्फी की रेसिपी। देखने से ही अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितनी क्रीमी रोल कट बनके तैयार हो चुका है और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। कोई इसमें खोआ या फिर मावा का इस्तेमाल नहीं किया है हमने। इसमें वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं रोल कट कुल्फी की रेसिपी। सबसे पहले हम एक यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को ऐसे फैलाएंगे कढ़ाई में और इस पानी को फेंक देते हैं। देखिए मैंने पूरा पानी को निकाल दिया है। अभी हम लेंगे यहाँ पर हाफ कप चीनी यानी कि शुगर, इस तरह से फैला के डालेंगे कढ़ाई में। देखिए हाफ कप लिया है मैंने। अभी हम कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं। देखिए गैस चालू करके हम गैस को स्लो पे रखेंगे और कढ़ाई रख देते हैं गैस पर। अभी हम इस समय पे चीनी का कैरेमल बना के रेडी कर रहे हैं, इसलिए हमको गैस के आंच को स्लो रखना है और स्लो आंच पे ही चीनी को मेल्ट होने देना है। चीनी का कैरेमल बनाने के लिए टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हमारे रोल कट कुल्फी का कलर और साथ में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल मार्केट की तरह। अगर आपको भी मार्केट वाली रोल कट कुल्फी पसंद है तो आप भी इसी तरह से स्लो आंच पे ही चीनी को मेल्ट होने दीजिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में ही चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है। अभी हम इसी तरह से चीनी को मेल्ट होने देते हैं। आप देख सकते हैं चीनी हमारी पहले से बहुत ही अच्छे से मेल्ट होने लगी है। अभी हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा शुगर का कैरेमल नीचे से जल ना जाए, इसलिए हमको लगातार चलाते रहना है और गैस की आंच को हमको स्लो ही रखना है इस समय पे। कैरेमल को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इस तरह से गोल्डन कलर आने पर गैस की आंच को बंद करेंगे। अभी हम गैस बंद करने के बाद इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। आपको इसमें चीनी दिख रही होगी, लेकिन हमारा शुगर का कैरेमल बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो वो अपने आप चीनी को मेल्ट कर देगा। अभी हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि हमारा शुगर का कैरेमल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। देखिए लगभग 5 मिनट हो चुका है और हमारा कैरेमल भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध आप यहाँ पे कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में आता है। अगर आपने दूध को पहले से उबाल के रखा है तो आप उसके ऊपर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में पैकेट वाला दूध आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम हाफ कप दूध को अलग रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम इस दूध को साइड में रख देते हैं और इसको बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम गैस की आंच को ऑन करेंगे और स्लो पे रखेंगे। आपको इस समय पे गैस की आंच को मीडियम या फिर हाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा शुगर का कैरेमल नीचे से चिपक चुका है। आप देख सकते हैं चम्मच कैसे चिपक चुका है कढ़ाई में। अगर हमने इस समय पे गैस की आंच को मीडियम कर दिया या फिर हाई कर दिया तो हमारा शुगर का कैरेमल नीचे से जल सकता है और कुल्फी का टेस्ट कड़वा सकता है, इसीलिए हम गैस की आंच को स्लो रखेंगे और स्लो आंच पे ही एक उबाल आने देते हैं दूध में। अभी हम दूध को ऐसे ही रखेंगे एक उबाल आने तक। देखिए लगभग 5 मिनट हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छे से एक उबाल आ चुका है। अभी हम दूध को ऐसे ही रखेंगे 10 मिनट तक, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध हमारा पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर कितना अच्छा आया है। अभी हम इस तरह से साइड से मलाई को निकालेंगे और दूध में मिक्स करेंगे। अभी हम दूध को इसी तरह से गाढ़ा होने देते हैं और 5 मिनट तक। आप चाहे तो इस समय भी गैस की आंच को मीडियम कर सकते हैं या फिर हाई भी कर सकते हैं। दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम और एक काम कर लेते हैं। जो हमने पहले से दूध निकाल के रखा था वो लेंगे और साथ ही में लेंगे कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 चम्मच कस्टर्ड का पाउडर लेंगे और साथ ही में लेंगे मिल्क पाउडर के 2 पैकेट। ये 10 वाले 2 पैकेट है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर का बड़ा पैकेट है या फिर डिब्बा है तो आप उसमें से 4 चम्मच लीजिए मिल्क पाउडर। अभी हम दोनों पैकेट को खोल के डाल देते हैं दूध में। मिल्क पाउडर यूज़ करने से अलग से हमको खोया या फिर मावा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमको एक भी लम्स नहीं दिखने चाहिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है।
दूध भी हमारा पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम लेंगे मिल्क पाउडर और कस्टर्ड का घोल तैयार करके रखा था वो, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारे मिल्क में कोई भी लम्स ना बने। अभी हम इसको इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे और इसको हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। तब तक हमारा कस्टर्ड पाउडर बहुत ही अच्छे से इसमें पक जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है हमारा मिल्क। अभी हम इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी। आप सोचोगे चीनी हमने पहले भी डाली थी, लेकिन वो चीनी इसमें कलर लाती है और उतना मीठापन नहीं देती है, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। चीनी को आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छा से उबाल आ चुका है चीनी डालने के बाद। अभी हम इसको और पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। लगभग 4 मिनट हो चुका है और अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की आंच को बंद करेंगे। अभी हम इस बैटर को पूरी तरह से ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे कि हमारा बैटर बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैटर ठंडा हो चुका है और पहले से बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे कुल्फी का बैटर। अभी हम कुल्फी के बैटर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्मूथ सा एक पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। कुल्फी के बैटर को पीसने से हमारी कुल्फी बहुत ही क्रीमी बन के रेडी हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता लिए थे, उसको अच्छे से कट करके डाल दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसमें सूखा नारियल डाल सकते हैं कद्दूकस करके। नारियल से हमारी कुल्फी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम रोल कट कुल्फी बनाने के लिए इस तरीके का एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है तो आप इस तरीके का स्टील का भी ले सकते हैं। अभी हम डाल देंगे कुल्फी का बैटर प्लास्टिक के कंटेनर में। अगर आपके पास इस तरीके के कुल्फी बनाने वाले सांचे हैं तो आप उसमें भी कुल्फी बना सकते हैं। अगर आपके पास कुल्फी बनाने वाले सांचे भी नहीं है तो आप इस तरीके के एक छोटे से कंटेनर में भी बना सकते हैं कुल्फी। अगर आपको इसमें कुल्फी नहीं बनानी है तो आप स्टील के गिलास में भी कुल्फी को बना सकते हैं और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अभी हम इसको सिल्वर फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि हमारी कुल्फी में आइस ना बने। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तो आप एक दूध का पैकेट कट करके लगा सकते हैं। इसी तरह से कुल्फी मोड़ को भी कवर कर देंगे और प्लास्टिक के कंटेनर को भी। अभी हम कुल्फी मोड़ को इस तरह से एक छोटा सा होल करेंगे बीच में और एक कुल्फी की स्टिक डाल देंगे। इसी तरह से सारे कुल्फी मोड़ में कुल्फी की स्टिक डाल देते हैं। अभी हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर आप इसको पूरी रात भी रख सकते हैं। कुल्फी को मैंने पूरी रात रख दिया था फ्रीजर में, आपको मैं दूसरे दिन दिखा रही हूँ। फॉइल पेपर को निकालेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल्फी हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अभी हम 4 से 5 सेकंड के लिए पानी में डिप करके रखेंगे कुल्फी के कंटेनर को और इस तरह से चाकू की मदद से कुल्फी के रोल को बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कुल्फी का रोल कितना क्रीमी और टेस्टी लग रहा है। अभी हम कुल्फी के रोल को कट कर लेते हैं। आपको जितने बड़े पीस चाहिए उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं कुल्फी के रोल को। और हमने एक छोटे से कंटेनर में कुल्फी को सेट करने के लिए रखा था, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आप। अभी हम कुल्फी मोड़ से भी कुल्फी को बाहर निकालेंगे। पहले हम सिल्वर फॉइल को निकालेंगे और बाद में थोड़ा सा हाथ में रब करेंगे और देख सकते हैं कुल्फी हमारी कितने अच्छे से निकल के बाहर आ चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के आगे जो बेल बटन आता है उसको भी क्लिक कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।